यहाँ पे संविधान की बात की जाएगी, कानून की बात की जाएगी, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बात की जाएगी। ऐसे भवन का नाम डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी के नाम पर ही होना चाहिए। ईवीएम पे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, ज्यादा बड़ा हुजूम मौजूदा सरकार के खिलाफ है। ईवीएम पे शक होना बेहद जाहिर सी बात है। तो रोजगार हासिल नहीं हो रहे, सारा दिन बच्चे हाथ में मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। अगर मान लीजिए मैं आरक्षित वर्ग से संबंध रखती हूँ तो क्या मुझे पदोन्नति नहीं चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित आवाज पर। मैं हूं आपके साथ ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर निशा। इनसे हम बात करेंगे। जो पीछे आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा बहुजन संसद का, ये क्या पूरा मुद्दा है और क्या मांगे हैं, इसको लेकर हम इनसे बात करेंगे। मैम, क्या मांगे हैं और क्या ये बहुजन संसद क्या है? बहुजन संसद ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन, जिसे शॉर्ट में हम परिसंघ बोलते हैं, परिसंघ ने इसका आगाज किया है। बहुजन संसद में हमने उन मुद्दों को उठाया है जो मुद्दे सरकार जिन पे हमारी किसी भी तरह से संज्ञान नहीं ले रही है। बहुजनों के हकों के अधिकार, उनके आत्म सम्मान किससे जुड़े हुए, ये विभिन्न मुद्दे हैं। और हम देश भर से परिसंघ के लोग, परिसंघ से जुड़े हुए पदाधिकारी, वो सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमने डॉक्टर उदित राज जी की अध्यक्षता में इस मामले पे बहुत विस्तृत में चर्चा की है और बहुत तरह के जो रेजोल्यूशंस हैं वो आज यहाँ से पास हुए हैं, जिन रेजोल्यूशंस को लेके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से देखा जा रहा है 11 मांगे रखी गई हैं, लेकिन उसके ऊपर सबसे लिखा हुआ है नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। ये क्या मांगे हैं, उनके नाम पे संसद भवन का नाम क्यों चाहिए? अभी जैसा कि सभी को पता है कि अभी भी एक नई संसद भवन की बिल्डिंग बन के तैयार हुई है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री साहब ने सिंगोल को स्थापित करके उसका एक इनॉग्रेशन अभी लेटेस्ट हुआ है। तो हम लोगों का मानना ये है कि अगर संसद भवन है तो वहाँ पे बात क्या की जाएगी? वहाँ पे संविधान की बात की जाएगी, कानून की बात की जाएगी, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बात की जाएगी। और ऐसे में ऐसे भवन का नाम डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी के नाम पर ही होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी का नाम ना केवल भारत में बल्कि आप पूरे विश्व में अगर बात करें तो संविधान निर्माता और सबसे बड़े व्यक्ति, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में स्थापित है। तो इससे ज़्यादा सुटेबल नाम संसद भवन का नहीं हो सकता। तो हम बहुजनों की मांग कि प्रतीकों के नाम बिल्कुल मायने रखते हैं, तो ऐसे में संसद भवन का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर ही स्थापित किया जाना चाहिए। एक और मांग लिखा हुआ है कि ईवीएम हटाओ। ईवीएम क्यों हटाना है आपको? ईवीएम पे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा। धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिकली बाहर निकले, आप लोगों से बातचीत करें, आप मीडिया में हैं, आपको विस्तृत तौर पर पता होगा कि जब हम किसी से बात करते हैं तो आपको लगेगा कि ज़्यादा बड़ा हुजूम मौजूदा सरकार के खिलाफ है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो हमें पता लगता है कि वहाँ पे बीजेपी जीत गई। अब ऐसे में जो ईवीएम है, ईवीएम पे शक होना बेहद जाहिर सी बात है। और ऐसे देश, ऐसी कंट्रीज जहाँ से ये ईवीएम आई है, जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है, वो कंट्रीज भी ईवीएम को फॉलो नहीं करती। उनके यहाँ भी जो चुनाव होते हैं वो मैनुअली हैंडल किया जाता है। इंडिया तो इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा यहाँ का इलेक्शन कमीशन है, तो यहाँ ईवीएम के बिना चुनाव क्यों नहीं हो सकता? तो ईवीएम के बिना चुनाव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ईवीएम के द्वारा वोटों में गड़बड़ी की जाती है? बिल्कुल, ईवीएम के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि ईवीएम के द्वारा ही वोटों में गड़बड़ी होती है। तो अगर ऐसा है तो मैनुअली भी चुनाव कराने में क्या हर्ज है? मैनुअल चुनाव कराए जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन मोदी जी तो इंडिया को डिजिटल करना चाहते हैं, पूरा टेक्निकल चीज़ें ला रहे हैं लगातार। हाँ, मोदी जी इंडिया को डिजिटल करना चाहते हैं, और जो हम लोगों को समझ आ रहा है कि वो आज के यूथ को इस डिजिटाइजेशन के नाम पर ठग रहे हैं। उनको रोजगार हासिल नहीं हो रहे हैं, सारा दिन बच्चे हाथ में मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। फ्री के डाटा पैक्स हैं, बहुत सस्ते डाटा पैक्स हैं, उसी में यूथ को गेम्स में और सोशल मीडिया पे वॉर में एक दूसरे के साथ झगड़े में आक्रोश स्थापित करके उसी में उलझा रखा है। तो ऐसे डिजिटाइजेशन का किसी भी कंट्री को कोई फायदा नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे
और भी कई सारी मांगे लिखी गई हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे आप। हाँ, मैं हरियाणा से सम्मत रखती हूँ, मैं हरियाणा में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैंने यहाँ पे मंच पे पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे को उठाया है। पदोन्नति में आरक्षण का मतलब है कि जब हमारी नियुक्ति की जाती है तो उस समय पे रोस्टर टेबल के मुताबिक हमारी नियुक्तियाँ होती है, हमें आरक्षित सीटों पर हमारी भर्ती की जाती है, लेकिन जब पदोन्नत किया जाता है तो उस समय हमें एक लंबी लाइन में लगा दिया जाता है। हमारी जो मेरिट लिस्ट बनती है उस मेरिट लिस्ट में रिजर्व कैटेगरी को सबसे आखिर में, आखिरी पायदान में लगा दिया जाता है। जैसे मैं समझाऊं कि अगर मान लीजिए 300 सीटों की आपने भर्ती की तो 300 का 20% हरियाणा के अंदर आरक्षित है, तो जो 60 पोस्ट निकलेंगी वो सबसे अंत में 60 रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों को सबसे अंत में लगा दिया जाएगा। अब जब पदोन्नति होगी तो 240 लोगों को पहले पदोन्नति मिलेगी, 240 पदोन्नत होते होते जब तक वो रिजर्वेशन की लिस्ट तक वो लिस्ट पहुंचेगी तब तक या तो जो रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति है, किसकी होती है, रिजर्वेशन एससी की, रिजर्वेशन बीसी की, बीसी भी अंत में लगते हैं, एससी भी अंत में लगते हैं, फिजिकली हैंडीकैप भी अंत में लगते हैं, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ जो स्वर्ण है, सिर्फ जो जनरल कैटेगरी है वही इंटेलिजेंट है, उन्हें ही मेरिट में जो है वो स्थान लेने की वो है? अगर मान लीजिए मैं आरक्षित वर्ग से संबंध रखती हूँ तो क्या मुझे पदोन्नति नहीं चाहिए? पदोन्नति मुझे सबसे आखिर में मिलेगी, हो सकता है तब तक मैं रिटायर हो जाऊँ। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने फरवरी में अनाउंस किया था कि पदोन्नति में आरक्षण की बात को संभाल लिया जाएगा, लेकिन आज तक इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो जैसे कि आपने सुना, कई सारे मुद्दे हैं और कई सारी बातों को लेकर यहाँ पे मांगे हुई और एक संसद लगाया गया था, बहुजन संसद, और उसमें मांगे ये जो क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला मांग यही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो नई संसद भवन बनी है उसका नाम रखा जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में और देश के आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।